नमस्कार। आज हम नर्सिंग एजुकेशन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और इसका नाम है एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स। एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स ये क्या रिकॉर्ड्स होते हैं? ए फैक्चुअल रिकॉर्ड ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। फैक्चुअल मीन्स फैक्ट पे ये बेस्ड होते हैं, कोई इमेजिनेशन नहीं है इसमें, कोई भी थिंकिंग नहीं है, ये फैक्ट पे बेस्ड है, फैक्चुअल रिकॉर्ड है। ऑब्जर्वेशन जो व्यक्ति खुद ऑब्जर्व कर रहा है उसके बेस पे रिकॉर्ड्स होते हैं ये, ऑफ ए सिंगल स्पेसिफिक इंसिडेंट। एक इंसिडेंट का, किसी भी एक इंसिडेंट का, किसी भी एक विशेष इंसिडेंट का, इन द बिहेवियर ऑफ ए स्टूडेंट। एक स्टूडेंट का जो बिहेवियर है उसकी एक इंसिडेंट का ये ऑब्जर्वेशन होता है और ये क्या होता है? एक फैक्चुअल रिकॉर्ड होता है। तो एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या है? ए फैक्चुअल रिकॉर्ड ऑफ एन ऑब्जर्वेशन ऑफ ए सिंगल स्पेसिफिक इंसिडेंट इन द बिहेवियर ऑफ ए स्टूडेंट। जैसे कि स्कूल में पढ़ते हुए कोई भी जैसे बच्चा है, उसकी एक पर्टिकुलर इंसिडेंट है कि उस परिस्थिति में उसने क्या बिहेवियर शो किया था, तो उसका एक फैक्चुअल रिकॉर्ड होता है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड। इट इज़ ए रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ ए स्पेसिफिक इंसिडेंट। ये क्या होता है? लिखा हुआ रहता है डिस्क्रिप्शन इसका, स्पेसिफिक इंसिडेंट का। नेक्स्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर कह सकते हैं हम लक्षण क्या क्या होते हैं, तो ये होते हैं फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट हैपन, क्या हुआ था, व्हेन, कब हुआ था, एंड व्हाट सरकमस्टेंसेस, क्या परिस्थिति थी, मतलब कि वो इंसिडेंट कब हुई, क्या हुई और कैसी परिस्थिति थी उस वक्त, उसका फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन होता है ये, उसके फैक्ट्स लिखे जाते हैं इसमें। रिकॉर्ड ए सिंगल इंसिडेंट, और इसका एक स्पेसिफिक चीज़ क्या होती है इसमें, सिंगल इंसिडेंट को रिकॉर्ड किया जाता है। तीसरा है सिग्निफिकेंट ऑफ पीपल्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये क्या है? महत्वपूर्ण होता है किसके लिए? कि जो स्टूडेंट है उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट कितना हुआ है पहले से अब की। ऑब्जेक्टिव मिक्सड अप विद सब्जेक्टिव, इसमें जो ऑब्जेक्टिव कमेंट हैं और सब्जेक्टिव कमेंट हैं दोनों ही इसमें मिक्सड अप होते हैं। नेक्स्ट है एग्जैक्ट बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट रिकॉर्डेड। इसमें जो स्टूडेंट का एग्जैक्ट बिहेवियर होता है उसको रिकॉर्ड किया जाता है। रिगार्डेड एज कॉन्फिडेंशियल, और इसको क्या रखा जाता है? गुप्त रखा जाता है, इसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। एक्ट एज ए सप्लीमेंट फॉर अदर रिकॉर्ड्स, और ये किस तरह से काम करता है? जो और रिकॉर्ड्स हैं उस स्टूडेंट से संबंधित, उनके सप्लीमेंट की तरह ये काम करता है। तो इस तरह से एक बार वापस से रिवाइज करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स को। पहला है फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट हैपन, व्हेन एंड व्हाट सर्कमस्टेंसेस। सेकेंड है रिकॉर्ड ए सिंगल इंसिडेंट। थर्ड वन है सिग्निफिकेंट ऑफ पीपल्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फोर्थ है ऑब्जेक्टिव मिक्सड अप विद सब्जेक्टिव कमेंट। फिफ्थ है एग्जैक्ट बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट रिकॉर्डेड। सिक्स्थ है रिगार्डेड एज कॉन्फिडेंशियल, एंड सेवन्थ है एक्ट एज ए सप्लीमेंट फॉर अदर रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट आते हैं पर्पसेस। इसके उद्देश्य क्या होते हैं? तो ये क्या है? लुक टू इंफॉर्मेशन की तरफ ये देखता है। अंडरस्टैंड बेसिक पर्सनालिटी पैटर्न, उस पर्टिकुलर स्टूडेंट का बेसिक पर्सनालिटी पैटर्न क्या है उसको, उसकी समझ डेवलप करता है। हेल्दी प्यूपल टीचर रिलेशनशिप, यानी कि जो शिष्य है और अध्यापक है उसके बीच में हेल्दी रिलेशनशिप को ये स्टिमुलेट करता है। इम्प्रूव स्टूडेंट बिहेवियर, और इस तरह से क्या होता है? जो स्टूडेंट होता है उसका बिहेवियर इम्प्रूव होता है। नेक्स्ट है सेल्फ अप्रेजल एंड पीयर असेसमेंट। इसमें खुद स्टूडेंट भी अपना अप्रेजल कर सकता है, अपना इवेल्यूशन कर सकता है, और पीयर का मतलब कि ग्रुप का उस वक्त जो है उनका भी असेसमेंट इसमें हो जाता है। तो इस तरह से पर्पस होगा इसके, लुक टू इंफॉर्मेशन, अंडरस्टैंड बेसिक पर्सनैलिटी पैटर्न, थर्ड हेल्दी पीपल टीचर रिलेशनशिप, फोर्थ इम्प्रूव स्टूडेंट बिहेवियर, एंड फिफ्थ सेल्फ अप्रेजल एंड पीयर असेसमेंट। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल। अब इसके प्रिंसिपल क्या क्या होते हैं, क्या क्या सिद्धांत होते हैं एनेक्डोटल रिकॉर्ड के, वो देख लेते हैं। ओनली वन इंसिडेंट, केवल एक इंसिडेंट को इसमें देखा जाता है। रिकॉर्ड शुड बी कंप्लीट, और जो इसका रिकॉर्ड होगा वो पूरी तरह से कंप्लीट होना चाहिए। शुड हैव ए कंपाइल्ड, उसको कंपाइल मतलब कि शॉर्ट करके लिखा जाता है, फैक्ट्स लिखे जाते हैं। टीचर शुड हैव प्रैक्टिस, और जो टीचर एनेक्डोटल रिकॉर्ड बना रहा है वो उसको प्रैक्टिस होनी चाहिए। नेम ऑफ द स्टूडेंट, क्लास, स्कूल, डेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं कि नाम स्टूडेंट का, उसकी क्लास कौन सी है, स्कूल कौन सा है, डेट क्या है, टाइम क्या है, क्या चीज़ ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, क्या इंसिडेंट को हम देख रहे हैं, क्या सर्कमस्टेंसेज हैं, सब इसमें लिखा जाता है। सेटिंग बैकग्राउंड ऑफ इंसिडेंट, जो भी इंसिडेंट हम ऑब्ज़र्व करेंगे उसका बैकग्राउंड भी सेट करना होता है। तो ये हो गए प्रिंसिपल ऑफ एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स। ओनली वन इंसिडेंट, रिकॉर्ड शुड बी कंप्लीट, शुड हैव ए कंपाइल, टीचर शुड हैव प्रैक्टिस, नेम ऑफ द स्टूडेंट, क्लास, स्कूल, डेट ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड सेटिंग बैकग्राउंड ऑफ इंसिडेंट। नेक्स्ट आता है मेरिट, इसके क्या क्या लाभ हैं। यूज़ ऑफ फॉर्मेटिव फीडबैक, इसमें क्या है, फॉर्मेटिव फीडबैक मिलती है। इकोनॉमिक, इसमें इजी होता है ये और इकोनॉमिक होता है। प्रोविज़न ऑफ इंसाइट, इंसाइट की इसमें प्रोविज़न होता है। बिहेवियर इन नेचुरल सेटिंग, जो बिहेवियर या इंसिडेंट हम देख रहे हैं इसमें वो नेचुरल सेटिंग में होती है, कोई उसके लिए स्पेशली आर्टिफिशियल सेटिंग नहीं बनाई जाती। यूज्ड इन रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स का यूज़ किया जाता है। वेरी गुड फॉर यंग चिल्ड्रन, और यंग चिल्ड्रन के लिए ये बहुत ही अच्छा होता है। तो इस तरह से इसकी मेरिट हो गई, यूज़ ऑफ फॉर्मेटिव फीडबैक, इकोनॉमिक एंड ईजी, प्रोविज़न ऑफ इंसाइट, बिहेवियर इन नेचुरल सेटिंग, यूज्ड इन रिकॉर्ड्स एंड वेरी गुड फॉर यंग चिल्ड्रन। नेक्स्ट आता है डीमेरिट्स, इसकी क्या क्या हानियां हैं। तो हानि है इसकी लेस रिलायबल, रिलायबल ये कम होता है। टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसमें टाइम लगता है। डिफ़िकल्ट टू मेंटेन ऑब्जेक्टिविटी, जो ऑब्जेक्टिविटी है वो मेंटेन करने में मुश्किल होती है। एंड रिटर्न कंटेंट में लूज देयर मीनिंग, जो रिटर्न कंटेंट है ज़रूरी नहीं है कि उनका सही अर्थ लगाया जा सके बाद में भी। तो ये सब होती हैं इसकी डीमेरिट। तो डीमेरिट में हो गया लेस रिलायबल, टाइम कंज्यूमिंग, डिफ़िकल्ट टू मेंटेन ऑब्जेक्टिविटी, रिटर्न कंटेंट में लूज देयर मीनिंग। तो आज का हमारा टॉपिक था एनेक्डोटल रिकॉर्ड, और एक नर्सिंग एजुकेशन का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें शॉर्ट नोट्स और कई बार लॉन्ग नोट्स भी आ जाते हैं एग्जामिनेशंस में, पेपर्स में। तो ये होता है एक फैक्चुअल रिकॉर्ड होता है ऑब्जर्वेशन का, सिंगल स्पेसिफिक इंसिडेंट इन द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट, और ये रिटन डिस्क्रिप्शन होता है ऑफ स्पेसिफिक और सिंगल इंसिडेंट का। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।